मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं? तो यहाँ पे मैं भजिया बना रही हूँ। तो खूब सारी प्याज हरी मिर्ची मैंने कट कर ली है, बेसन ऐड कर दिया है और पालक की भाजी थी तो वो भी ऐड कर दिए हैं। और सूखे मसाले जो कि सभी डालते हैं, खड़ी धनिया, सौंफ, जीरा, अजवाइन, थोड़ी सी हींग और हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर सारा कुछ डाल दिया है, नमक। और यहाँ पे सूखे पहले मैं इस तरीके से मिक्स करूँगी क्योंकि प्याज और पालक में काफ़ी मॉइस्चर रहता है। इसके बाद जो है पानी डाल के मिक्स कर लूँगी, घोल तैयार कर लूँगी। यहाँ पे ऑयल मैंने गर्म कर दिया है, तो मेरा घर का सरसों का ऑयल है। और यहाँ पे मीडियम फ्लेम में हमें जो है इसको बनाना है। सिम पे बनाएंगे तो फिर जो है इसका ऑयल बहुत ज़्यादा पीलेगी, और तेज़ पे बनाएंगे तो अंदर से जो है अच्छी रह जाएगी, ऊपर से जल जाएगी। तो ये देख लीजिए, बहुत ही करारी और बहुत ही क्रिस्पी जो है मेरी भाजी ये बन के रेडी हो रहे हैं। मैंने सिम फ्लेम पे एकदम बनाया, मतलब मीडियम फ्लेम पे मैंने बनाया है, सिम पे नहीं बनाया है। आप चाहें तो डालते वक्त जो है सिम कर सकते हैं और निकालते वक्त जो है तेज़ कर सकते हैं, लेकिन सेकते वक्त हमें मीडियम ही रखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरी भाजी है जो एकदम रेडी हो चुके हैं, तो आप लोग भी खा लीजिए। सो फैमिली, मॉर्निंग से सीधा अभी आप लोगों से मिल रही हूँ क्योंकि मैंने सुबह में बनाए थे भजिए और उसके बाद फिर सीधे मैंने काम वगैरह किया तो सो गई थी। खाना वगैरह भी मैंने नहीं खाया था, सभी लोगों ने तो खा लिया था लेकिन मैंने नहीं खाया था क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही थी। भजिए खाने के बाद एकदम हैवी हो जाता है ना। अभी हो गया शाम के 5 बज गए, तो बर्तन वगैरह वॉश करके आ गई हूँ चाय वगैरह के, और अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ, मतलब दवाई हो गई है तो अच्छा लग रहा है मुझे। और सामने से रोशनी आ रही है गेट से, और भैया यहाँ पे बैठा हुआ है, कपड़े उठा के लाए हूँ तो फोल्ड करने हैं, और उसके बाद जो है दूध वगैरह गर्म करूँगी और बाकी के जो काम होते हैं वो करूँगी। तो आती थी बोल रही थी अप्पे बना लेना, तो अप्पे बनाएंगे शाम को। तो मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ क्योंकि बातें नहीं करी हैं, और ज़्यादा बातें नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा बातें करती हूँ ना तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता है, फिर इतना बड़ा लंबा ब्लॉग जो है कोई देखना भी नहीं चाहता है, इसलिए इतना लंबा ब्लॉग नहीं करूँगी मैं। कल का ब्लॉग बहुत बड़ा आज जो गया है ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया था, मैंने इतनी ज़्यादा स्पीड भी की थी रेसिपी की लेकिन फिर भी बहुत लंबा हो गया था। और बताइएगा ज़रूर किस किस ने वो वाली रेसिपी से वो करी है, ट्राई करी है, बहुत ही अच्छी लगती है। जो लोग MP UP से होंगे उनको पता होगा कि बहुत अच्छी लगती है, तो हमारे यहाँ बहुत पसंद है सभी को। और बेडशीट वगैरह सारा कुछ ठीक कर दिया, कपड़े रह गए हैं फोल्ड होने के लिए, बाकी का सारा कुछ हो गया है। शाम के जो काम होते फिर बनाएंगे अप्पे, उसके बाद फिर खाने की तैयारी करूँगी। तो चलो फिर पहले फटाफट से मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो यहाँ पे जो है अप्पे मेरे बन के रेडी हो चुके हैं, तो आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। और दीदी ने बनाया था जब वीडियो तो उसने लाइट नहीं जलाई, बाद में जलाई है, तो थोड़े थोड़े से बीच में जो है मैं कुछ काम में लग गई थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया। बीच की जो है 2-3 एकदम ज़्यादा करारे हो गए हैं, मतलब ज़्यादा हाई वो हो गए हैं, और बाकी के तो बहुत अच्छे बने हैं, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे खाने में। और यहाँ पे जो है मम्मी जी लोग और ये लोग बैठी हुई थी, मतलब ये बैठे थे, मम्मी जी बैठी थी, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर लिया है कि मेरी सासू माँ यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो फैमिली सब लोग जो है खाना वगैरह खा चुके हैं, यहाँ पे हस्बैंड लेटे हुए हैं, सो गए हैं, मैं बैठी हुई थी तो मैं खा रही हूँ अप्पे क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया, मुझे भूख नहीं थी, और दो अप्पे बचे थे तो मैंने कहा चलो मैं खा लेती हूँ। और दवाई खा रही है क्योंकि रात वाली दवाई है, 10 बजे थी, 11 बजे थी, 10 बज चुके हैं, खा ली एक और खा ली, तो खा लेती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। टेस्टी बने थे, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं अभी खा रही हूँ दोबारा से। चलो पहले खा लेते हैं फिर। सो फैमिली जो है मैं खा चुकी हूँ और बर्तन रख दिए हैं, एक प्लेट और सिर्फ एक गिलास रह गया, तो वो सोफा में धो लूँगी। अभी मैंने किचन वगैरह साफ़ कर दिए रात के खाने के बर्तन, क्योंकि रात में ही धो के रख देती हूँ बर्तन वगैरह। मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना होता है, मतलब मैं इतनी जल्दी नहीं उठती हूँ, 6 बजे के करीब उठती हूँ, छतरपुर में होता है फिर भी उठ जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे इतना काम नहीं होता है, तो इतनी थकती नहीं हूँ, दो बच्चों के काम में क्या ज़्यादा काम होता है, तो फिर ऐसा होता है कि वहाँ पे काम कर लिया फिर रेस्ट कर लिया, काम कर लिया फिर रेस्ट कर लिया। ससुराल में तो जो लोग ससुराल में रहते हैं उनको पता ही होगा कि थोड़ा सा मेंटेन करके रखना पड़ता है। और पंखा जो है दूसरा लग गया है यहाँ पर, तो आप लोगों को अभी आवाज़ नहीं आएगी चक्की जैसी, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते थे मुझसे कि चक्की चलती है क्या आपके यहाँ, तो चक्की नहीं चल रही है, अब बंद हो गया है और बाकी का सारा काम हो गया है। और एक और जो है गुड न्यूज़ आप लोगों को देनी थी, रेखा जो है आज काफ़ी सारा चली है, मतलब जिस दिन से आई है वो बिल्कुल भी नहीं चलती थी, बिल्कुल भी नहीं।
तो उसको जो है पैर जो है बांध के रखे थे डॉक्टरों ने, अब बोल रही थी कि पैर बांध के रखे थे जितने भी पेशेंट थे सभी के, तो पैरों के नीचे का कमर के नीचे का हिस्सा जो है उसका सुन्न था। अभी ठीक है, थोड़ा चलने लगी है, सांस भी थोड़ी कम फूल रही है लेकिन इतनी नहीं फूल रही है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाएगी, टाइम लगेगा क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो वीकनेस उसको बहुत ज़्यादा आ जाएगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और भैया था छत पे तो आ गया है नीचे सामान लेके, ठीक आ रही है। और जो है भैया वीडियो चला रहा था तो फिर मैंने वॉइस नॉइस के लिए बंद कर दिया था। और आज एक दीदी और एक भाई साहब भी आए थे देखा तो देखने के लिए, तो फिर शाम को मैंने आप लोगों से बात ही नहीं कर पाई क्योंकि वो लोग आए चाय नाश्ता वगैरह किया, उनके लिए ही अप्पे बने थे, वो तो खाना भी मैंने बनाया था, सब्जी बना ली थी, पूरियाँ तल ली थी, तो फिर वो लोग बोले नहीं जब देखा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, जब तीनों लोग बनाओगे खिलाओगे तब खाएँगे, तो फिर उन्होंने खाया नहीं चले गए वो लोग, तो कोई बात नहीं जब आएंगे अगली बार तो खिला देंगे। और अभी मैंने फेस वॉश कर लिया है, जो क्रीम में लगाती हूँ वो भी मैंने लगा लिया है, नाइट की स्किन केयर जो करती हूँ वो कर लिया है मैंने, सारा कुछ कर लिया है, तो बस अभी सोना है, लेकिन अभी नहीं सोना है, 11 बजे की पहले दवाई पीनी होती है उसके बाद सोना होता है, तो थोड़ी देर फ़ोन वगैरह चलाऊँगी और उसके बाद जो है सो जाऊँगी। तो आप लोग सोच रहे हो आज मैंने एक ब्लाउज भी बनाया, पता है आप लोगों को एक ब्लाउज बनाया है, और मेरी बहन है छोटी वाली वो मायके पहुंच गई है, काफ़ी दिन हो गए 6-7 दिन हो गए वो मायके पहुंच गई है, मुझे बस नहीं जाने में लाया, आज अभी खूब रो रही थी रोई जा रही थी। मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि वो खुद गुस्सा होती है, बोलती है मैं बड़ी हो गई हूँ रोते हुए का वीडियो मत बनाया करो, तो फिर मैंने शूट नहीं किया, वो काफ़ी रो रही थी, कह रही थी हमें मामा के यहाँ जाना है, सब लोग आ गए, मौसी भी आ गई और बहन भी आ गया, आर्यन भी आ गए, सब लोग आ गए, मेरी बहन के दोनों बेटे, तो कह रही थी मुझे भी जाना है, उससे छोटी वाली बहन है जो, और उससे छोटी वाली की शादी है 13 तारीख की, तो 13 जून की, तो इंगेजमेंट वगैरह सारा कुछ है क्योंकि पहले तो अलग इंगेजमेंट होनी थी लेकिन अभी नहीं हो रही है, तो खूब रोए जा रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से माना भैया लेने भी आ रहा था छोटा वाला, बोले मैं आ जाता हूँ, फिर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं तुम बताओ कि हम लोगों को आना तो है ही, तो फिर रहने दो अभी बताओ, क्योंकि इस सीज़न में ऐसे बार बार इधर से उधर घूमना अच्छा भी नहीं है, सेफ भी नहीं है, तो फिर नहीं आने दिया इसलिए। तो चलो फिर बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, मन तो बहुत ललचाता है लेकिन नहीं जा सकते हैं, तो बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ठीक है। और जो आप लोग कमेंट करते हैं मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, रिप्लाई करने में बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ जो है कॉमेंट को डिलीट मत किया कीजिए, अच्छा लगता है मुझे कॉमेंट पढ़ते देखते हुए, तो जब कोई जी बोलता है तो बहुत अपना सा महसूस होता है। तो चलो फिर